लद्दाख या जिसे मोस्ट कॉमनली लेह लद्दाख कहते हैं, ये पूरे भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। वैसे तो लद्दाख में घूमने के लिए बहुत सी खूबसूरत जगह है, मगर इन सभी खूबसूरत जगहों का सफर शुरू होता है लेह टाउन से। लेह टाउन पूरे लद्दाख का सबसे बड़ा टाउन होने के साथ साथ घूमने के लिए भी बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे लेह टाउन के आसपास लोकेटेड बहुत ही खूबसूरत लोकेशन के सफर पर। इनमें से आधी लोकेशन लेह टाउन के अंदर ही लोकेटेड है और बाकी की लोकेशन लेह टाउन से लगभग 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। इस वीडियो में बताई गई जगहों को विजिट करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की इनर लाइन परमिशन की जरूरत नहीं है और इन्हें आप फ्रीली विजिट कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। लेह पहुंचने के मोस्ट कॉमन दो रास्ते हैं, मनाली से आ सकते हैं या फिर श्रीनगर वाले रोड से। लेह टाउन मॉल रोड, ये लेह टाउन का मॉल रोड है और ये पूरे लद्दाख की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर आपको हर टाइप्स की शॉप्स देखने को मिल जाएगी। लेह जॉइंट कैपिटल है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की और ये पुराने टाइम में कैपिटल हुआ करता था हिमालयन किंगडम ऑफ लद्दाख की। लेह टाउन की नेचुरल ब्यूटी को यहाँ के एंशियन कल्चर लेह को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। और आप भी जब लद्दाख आएंगे तो एक चीज़ खास नोटिस करेंगे, वो है यहाँ के घरों का आर्किटेक्चर। लेह के सभी घर और होटल्स आज भी लद्दाख के आर्किटेक्चर से ही किए जाते हैं। जोरावर फोर्ट, लेह में जो आप सबसे पहले विजिट कर सकते हैं वो है जोरावर फोर्ट। जोरावर फोर्ट लेह के मॉल रोड से लगभग 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर लोकेटेड है और आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। जोरावर फोर्ट डेडिकेटेड है जनरल जोरावर सिंह को। जोरावर फोर्ट में आपको म्यूजियम देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ का लाइट और साउंड शो भी एंजॉय कर सकते हैं। जोरावर फोर्ट की मैनेजमेंट और मेंटेनेंस का काम इंडियन आर्मी के द्वारा किया जाता है। शांति स्तूप, लेह टाउन में जो आप अगली जगह विजिट कर सकते हैं वो है शांति स्तूप। शांति स्तूप लेह टाउन के मॉल रोड से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। शांति स्तूप की कंस्ट्रक्शन 1983 में शुरू हुई थी और 1991 में कंप्लीट हुई थी और शांति स्तूप की कंस्ट्रक्शन बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने के लक्ष्य में कराई गई थी। शांति स्तूप की कंस्ट्रक्शन दो लेवल में की गई है और इनमें अलग अलग डिपिक्शन है जैसे कि महानिर्वाण, धर्मचक्र और बर्थ। शांति स्तूप से हमें लेह टाउन के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और इसकी लोकेशन जो लेह सिटी से बहुत नज़दीक है और यह इसे मस्ट विजिट प्लेस बनाता है। शांति स्तूप के साथ एक बौद्ध गुम्बा भी है और आप इसे भी विजिट कर सकते हैं। शांति स्तूप से लगभग 1.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है लेह पैलेस। लेह पैलेस अगली जगह है जो आप लेह टाउन में होकर विजिट कर सकते हैं। लेह मॉल रोड से अगर आप लेह पैलेस के लिए वॉक करना शुरू करेंगे तो आपके रास्ते में ओल्ड लेह टाउन आएगा और कुछ मिनट वॉक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे लेह पैलेस। लेह पैलेस की कंस्ट्रक्शन सन 1600 में की गई थी। लेह पैलेस की बिल्डिंग एक 9 मंजिल ऊंचा स्ट्रक्चर है और यहाँ पर उस टाइम के लद्दाख के राजा रहा करते थे। और लेह पैलेस की लोकेशन कुछ ऐसी जगह है कि वो यहाँ से पूरे शहर पे नज़र रखा करते थे। कंस्ट्रक्शन के इतने साल बाद भी लेह पैलेस की बिल्डिंग आज भी उसी स्ट्रेंथ से खड़ी हुई है। लेह पैलेस से कुछ और ज़्यादा हाइट पे लोकेटेड है सिमो मोनेस्ट्री और लेह पैलेस से कुछ मिनट वॉक करके आप सिमो मोनेस्ट्री पहुँच सकते हैं। पूरे लेह सिटी से अगर आप बर्ड्स आई क्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए सिमो मोनेस्ट्री बेस्ट जगह है। सिमो मोनेस्ट्री से हमें लेह सिटी के कुछ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। शेह पैलेस, तो अगली जगह जो आप लेह के आसपास विजिट कर सकते हैं वो है शेह पैलेस। शेह पैलेस और शेह मोनेस्ट्री पहुंचने के लिए आपको लेह टाउन से मनाली हाईवे पर 15 किलोमीटर ड्राइव करना होगा। शेह पैलेस लद्दाख की समर कैपिटल हुआ करता था। शेह पैलेस कॉम्प्लेक्स में शेह पैलेस के साथ साथ शेह मोनेस्ट्री भी लोकेटेड है। शेह
शेकोम्पा की खास बात है कि इसके अंदर लोकेटेड लॉर्ड बुद्धा का स्टेचू जो 10 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा, और इस स्टेचू की खास बात यह है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कॉपर का यूज़ करके की गई है और इसका टॉप पार्ट है वो गोल्ड प्लेनेट से बना हुआ। शे पैलेस से हमें शे विलेज के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। थिक्सी मोनेस्ट्री। शे पैलेस को विजिट करने के बाद आप लगभग 4 किलोमीटर मनाली हाईवे पर ड्राइव करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे थिक्सी मोनेस्ट्री। थिक्सी मोनेस्ट्री पूरे सेंट्रल लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है और इसका स्ट्रक्चर रिसेंबल करता है लासा में लोकेटेड पोटाला पैलेस को। थिक्सी मोनेस्ट्री विजिट करने के लिए आपको एक एंट्री फी भी लेना होगा जिसका कॉस्ट लगभग 50 रुपये के आसपास है। थिक्सी गोम्पा का स्ट्रक्चर 12 मंजिल ऊंची बिल्डिंग की स्ट्रक्चर से बना हुआ है और यहाँ पर एक वैरायटी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि अलग अलग स्तूपास, स्टेचूस और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की। थिक्सी गोम्पा बुद्धिज्म का एक रिलीज पॉइंट भी है और यहाँ पर थिक्सी महोत्सव भी होता है जो 2 दिनों तक चलता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। थिक्सी गोम्पा के दीवारों पर आपको बहुत सारे वॉल पेंट्स भी देखने को मिल जाएगी जिनमें भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए संदेश और उपदेश लिखे होते हैं। थिक्सी मोनेस्ट्री एक और चीज़ के लिए बहुत ही फेमस है जो कि यहाँ से दिखने वाले व्यूज़। जब आप थिक्सी मोनेस्ट्री के टॉप तक जाएंगे तब आपको वहाँ से पूरे वैली का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे और ये मोनेस्ट्री इंडस वैली में लोकेटेड है। हॉल ऑफ फेम। अगली लोकेशन को हम लेह में विजिट कर सकते हैं वो है हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम इंडियन आर्मी के द्वारा मेंटेन एक म्यूजियम है जो हमें याद दिलाता है हमारे देश के सैनिकों के बारे में जिन्होंने अपने जान तक दे दी थी इस देश की सुरक्षा के लिए। हॉल ऑफ फेम लेह टाउन से लगभग 4 किलोमीटर दूर लेह कारगिल हाईवे पर लोकेटेड है। हॉल ऑफ फेम को विजिट करने के बाद अगली लोकेशन जो आप विजिट कर सकते हैं वो है मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल पहुंचने के लिए आपको लेह कारगिल हाईवे पर ही लेह टाउन से लगभग 30 किलोमीटर ड्राइव करना होगा। अगर आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल पोजीशन पर रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी गाड़ी खुद ही कुछ चढ़ाई चढ़ रही है, तो इसलिए इस जगह को मैग्नेटिक हिल कहा जाता है और ये काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। एक और जगह जो लेह के आसपास विजिट कर सकते हैं वो है श्री गुरुद्वारा पत्थर साहिब। गुरुद्वारा पत्थर साहिब लेह से मैग्नेटिक हिल के रास्ते में पड़ता है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब की एक मान्यता है कि वहाँ श्री गुरु नानक देव जी तपस्या कर रहे थे और एक राक्षस ने पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर गिराई और वो पत्थर श्री गुरु नानक देव जी से टकराई और वो मोम बन गई और वो पत्थर में श्री गुरु नानक देव जी के निशान भी बन गई और वो पत्थर आप आज भी श्री गुरुद्वारा पत्थर साहिब में देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।